तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, नेटफ्लिक्स पर आज जो है एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है जिसका मैं ट्रेलर देखने वाला हूँ, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन मतलब रिव्यू करूँगा। फिलहाल चलो ट्रेलर देखते हैं, द डीपेस्ट ब्रीथ। तो ये काफ़ी पागलपन वाला वो कॉन्सेप्ट था, तो फिर देखते हैं कैसे है क्या है। तो लगा लेते हैं भाई अपना ये स्टार्ट। वाह, फ्री डाइविंग सबसे खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में से एक है। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे गहरी डाइव लगाने वाला जीतेगा। आपको 70 मंजिल की इमारत जितनी दूरी तक तैरना है। 70 मंजिल, साला चढ़ कोई तो पाता नहीं है, पानी के अंदर जाएगा। फ्री डाइविंग एक इससे अच्छा यार टाइटेनिक गुंड। और इसके नतीजे भी जबरदस्त होते हैं। एक और एलिसिया ज़ेकिनी इटली से, वो बहुत छोटी थी, उसमें फ्री डाइविंग की कुछ सुपर नेचुरल ताकत थी। समंदर ही उसके लिए घर था। स्टीव सबसे अच्छे सेफ्टी डाइवर के तौर पर मशहूर थे। कोई डाइव करते समय सुरक्षित महसूस करना चाहता है तो वो परिचित इंसान के साथ डाइव करना चाहेगा। स्टीवन को उन पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो एलिसिया को ट्रेन करते थे। एलिसिया और स्टीव का रिश्ता खास था। हेलो, बोलो। उनकी जोड़ी अच्छी थी। और ये कमाल की डाइवर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगी। एलिसिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, वो अपनी हदों से आगे जाने की कोशिश कर रही थी। वो सबसे अच्छी फ्री डाइवर से भी बेहतर तरीके से उसे करना चाहती थी। लेकिन जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश में पूरा जोर लगाते हैं तो काफी गड़बड़ी हो सकती है। क्या डेड हो गए थे क्या? इस ऐसा पागलपन में भी अगर कोई डेड हो जाए यार, ये तो अजीब है, लेकिन पागलपन होना जरूरी है। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्री भी देखना यार, बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि यार ये चीज़ें ना एकदम एक्चुअल फील कराती हैं कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं। लेकिन जो फिल्म वगैरह होता है वो फिक्शन होता है, वो इतना ज़्यादा लिबर्टी लेते हैं, इतना ज़्यादा वो अनरियल दिखाते हैं यार, एक समय आता है कि यार बस करो भाई। लेकिन डॉक्यूमेंट्री देखना, फिर उसके बाद जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो में रिएक्शन दिया था उसका, जो लायर का था, लिंकन लायर का, तो वो चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि यार ये चीज़ें ना इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, ये एक्शन वगैरह ये सब थोड़ी फेक लगती हैं, तो फिर नहीं मज़ा देता। तो हाँ, डॉक्यूमेंट्री मैं देखना पसंद करता हूँ, मैंने कई डॉक्यूमेंट्री देखी हैं, तो देख लेंगे इसको भी। लेकिन उससे पहले भाई मैं बोल दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसका रिव्यू आएगा तो फिर भाई तुम्हारे लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैसेज आएगा ब्रो, नोटिफिकेशन आएगा, ऑल पर क्लिक कर लेना। तो चलो फिलहाल मिलते हैं।